हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं चालू करने जा रहा हूँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में टॉपिक है। आपको दूसरे मैथ्स में भी हो सकता है अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो या तो आपको बीएससी या तो बीएससी आईटी में भी हो सकता है। ओके, ये टॉपिक लैपलेस ट्रांसफॉर्म 2 भी है हमारे पास, जो कि हम लोग उल्टा करेंगे। इसमें इसका प्रोसेस का उल्टा इन्वर्स करेंगे तो हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म 2 होगा। ओके, तो काफी इजी टॉपिक है। इसके लिए सिर्फ आपको बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं, बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूले याद होने चाहिए और लैपलेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले जो है थोड़े बहुत वो याद होने चाहिए। तो काफी स्कोरिंग टॉपिक है ये, आसानी से आप कर सकते हो अगर आपको बेसिक चीजें इंटीग्रेशन की पता है तो। ओके, तो इसमें सिंपली क्या है कि एफ ऑफ टी कोई फंक्शन दिया होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है फाई ऑफ एस में, मतलब कोई दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब टी है, टी का फंक्शन है, तो इसको एस के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। एक फंक्शन टी का होगा, उसको आपको एस के फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इसका यूज कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेट करता है ये टॉपिक लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो आगे आपको इसका एप्लीकेशन समझेगा जब आप उस फील्ड में जाओगे तब। अभी तो हमें सॉल्व करने से मतलब है कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। ओके, क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ है नहीं, हमें तो सॉल्व करना है, यहाँ पे सीखना है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म सॉल्व किस तरह से होता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म में। ओके, इसके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चालू करेंगे, जो भी सम हमारे बेसिक सम रहेंगे, जो यूनिवर्सिटी में आए हुए होंगे, वही सम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का है वो ये है, जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आता है, अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिखता है जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, एस के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, और एफ ऑफ टी यहाँ पे कोई फंक्शन हो सकता है टी का, और यहाँ पे डी टी लिखा है, तो इसका आंसर आएगा डायरेक्टली लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी। लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी मतलब कि इस फंक्शन का लैपलेस निकाल दो तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा इस पूरे इंटीग्रेशन का। ओके, तो यहाँ पे लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, फाई ऑफ एस होता है। ओके, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी मतलब इस फंक्शन का लैपलेस आपको एस के टर्म में आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। ओके, तो आपको मैं जब सम करूंगा सॉल्व करके तब आपको समझेगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, अभी ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको लिख के रख लेना ये चीज। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड जो फंक्शन है उसके लैपलेस क्या क्या होते हैं। जैसे लैपलेस ऑफ वन, लैपलेस ऑफ वन अगर मैं पूछूं आपको क्या होता है, तो आपको बोलना है वन बाय एस। लैपलेस ऑफ वन क्या होता है, वन बाय एस। अगर मैं पूछूं लैपलेस ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, कि कोई भी नंबर है तो उसका लैपलेस क्या होता है, तो आपको लिखना है के डिवाइड बाय एस, के डिवाइड बाय एस। ओके, अगर मैं आपको पूछूं कि लैपलेस ऑफ ई रेस टू ए टी क्या होता है, ओके, लैपलेस ऑफ ई रेस टू ए टी क्या होता है, आपको लिखना है वन अपॉन एस माइनस ए। ओके, अगर मैं आपको पूछूं लैपलेस ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी क्या होता है, यहाँ पे माइनस है तो क्या करना है आपको, एस प्लस ए लिखना है। अगर प्लस है तो एस माइनस ए लिखना है, और ए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे लैपलेस ऑफ फाइव टी बोला मैंने, लैपलेस ऑफ फाइव टी क्या होता है, तो आपको सिंपली ज्यादा सोचना नहीं है, वन बाय एस माइनस फाइव लिख देना है, एस माइनस फाइव लिख देना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। ओके, तो ई रेस टू का हो गया। अभी आप बोलोगे लैपलेस ऑफ साइन ए टी, लैपलेस ऑफ साइन ए टी है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साइन ए टी का। ए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं, इसको रटना पड़ेगा आपको, थोड़े से फॉर्मूले हैं, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, इधर ही मैं लिखा दूंगा आपको। ओके, तो यहाँ पे लैपलेस ऑफ कॉस ए टी भी होता है, लैपलेस ऑफ कॉस ए टी तो सेम होता है, इसके जैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे ए ऊपर आया तो यहाँ पे कॉस ए टी है, तो आपको याद रखना है कि कॉस में एस ऊपर आएगा, एस स्क्वायर और ए स्क्वायर। ओके, सिंपल। अभी ये दोनों का एक भाई फॉर्मूला भी है, सेम साइन हाइपरबोलिक ए टी, साइन हाइपरबोलिक ए टी, और एक और चीज होता रहेगा कॉस हाइपरबोलिक ए टी, तो ये सेम फॉर्मूले, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यही सेम आपको उतारना है। लेकिन यहाँ पे अगर हाइपरबोलिक नहीं है तो नीचे प्लस प्लस आएगा, अगर हाइपरबोलिक है तो नीचे माइनस माइनस आएगा, बस सेम चीज लिखना है। जैसे साइन है तो यहाँ पे ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, कॉस है यहाँ पे तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ माइनस आएगा हाइपरबोलिक में। ओके, अभी तीन फॉर्मूले और है जो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि सबसे एक मेन फॉर्मूला है, लैपलेस ऑफ टी रेस टू एन, लैपलेस ऑफ टी रेस टू एन सबसे आईएमपी फॉर्मूला है, ये आपको याद ही रखना है। तो इसका क्या आंसर आता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपको लैपलेस ऑफ टी रेस टू फाइव क्या होगा, टी रेस टू फाइव क्या होगा, तो डायरेक्टली आपको लिखना है फाइव फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू सिक्स, एन प्लस वन ना, फाइव प्लस वन इज सिक्स और फाइव फैक्टोरियल, डायरेक्टली इसका आंसर ये आएगा। तो ये देखो यहाँ पे टी का टर्म है वो एस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, टी का
फंक्शन एस में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, तो इसी को बोलते हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो दो फॉर्मूले और हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। लैपलेस ऑफ के रेस टू ए टी क्या होता है, 1/s-a log k, ये आपको याद रखना है, ओके, ये ज्यादा यूज नहीं होता है बट आपको याद रखना है। और एक और है लास्ट वाला, लैपलेस ऑफ ई आर एफ रूट टी, तो इसका आंसर क्या आएगा, s/√s+1, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये दो फॉर्मूले ज्यादा यूज नहीं होने वाले सारे सब में, मेन फॉर्मूला कौन सा, ये यूज होने वाले इतने फॉर्मूले, और ये t^n वाला फॉर्मूला यूज होने वाला। तो इतना फॉर्मूला है लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 के लिए, ओके। जब लैपलेस ट्रांसफॉर्म 2 करेंगे तो यही सारे फॉर्मूले, लेकिन उल्टा, यहां से हम लोग को यहां पे आना, मतलब s के टर्म रहेंगे उसको t में बदलना पड़ेगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म 2 में। तो अभी लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 की बात करते हैं यहां पर। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले थे, आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला आना चाहिए। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और बेसिक सा एक सम सॉल्व करके देखेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म के थ्रू, जो कि ये सारे हमारे पास फॉर्मूले ये यूज करेंगे, और जो यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।